हे दोस्तों, कैसे हो? अगर आपका बजट 35,000 है तो मैंने इस बजट में बेस्ट 5 फोन को सिलेक्ट किया, जिसमें आपको प्रीमियम लेवल कैमरा, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस मिलेगा और आप इसमें हेवी गेमिंग भी कर सकते हो। तो अगर आप कंफ्यूज हो इस बजट में तो इस वीडियो को आप देख लो, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को ऐसे शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में जो सबसे पहले आता है वो सैमसंग की तरफ से सैमसंग S20 FE, प्राइस 35,000, और ये बहुत ही बेहतरीन फोन है और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और इस फोन में आपको बिल्कुल टॉप नॉच कैमरा मिल जाता है। रियरमेट 12 MP का मेन कैमरा, 12 MP का अल्ट्रा वाइड और 8 MP का टेलीफोटो, और फ्रंट में 32 MP का कैमरा मिल जाता है। और फ्रंट और बैक दोनों कैमरे से आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 30 FPS में। और इस फोन के कैमरा में काफी बेहतरीन क्वालिटी के सेंसर और लेंस यूज किए गए, तो कैमरा काफी कमाल का है। और इस फोन में और भी काफी कुछ प्रीमियम फीचर्स मिल जाता है। 6.5 इंच की 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ में स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर और 4500 mAh की बैटरी। सो ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 865 है, 2 जनरेशन पुराना प्रोसेसर है, लेकिन अभी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसमें से मिलेगा, एक स्टेबल परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी मेन प्रायोरिटी कैमरा और परफॉर्मेंस है तो आप इस फोन को जरूर कंसीडर कर सकते हो, आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि सैमसंग को मेनली कैमरा के लिए जाना जाता है। सो दोस्तों, इस लिस्ट में जो नंबर 4 पे आता है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी GT2, कीमत 34,999। और रियलमी GT सीरीज मेनली परफॉर्मेंस को ज्यादा टारगेट करता है, और इस फोन में आपको एक हाई एंड परफॉर्मेंस प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन 888 का, जिसमें से आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा और आप इसमें हेवी गेमिंग भी कर सकते हो। और भी काफी कुछ प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। 6.62 इंच की 120Hz एमोलेड डिस्प्ले, 50 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 32 MP का फ्रंट कैमरा, और 5000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है इस फोन में। और इस फोन के रियर कैमरा से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 30 FPS में, लेकिन फ्रंट में सिर्फ आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 30 FPS में। सो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है तो आप इस फोन को जरूर कंसीडर कर सकते हो, ये काफी बेहतरीन फोन है, काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस फोन से आपको मिलेगा। ऑलराइट दोस्तों, इस लिस्ट में जो नंबर 3 भी आता है IQ9AC, उसका कीमत है 33,999। तो IQ को मेनली गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है और IQ वीवो का सब ब्रांड है। सो आपको इसमें बेहतरीन कैमरा सेटअप भी मिल जाएगा। सो IQ9AC में 6.62 इंच 120Hz की एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर, और रियर में 48 MP का मेन कैमरा, 13 MP का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 16 MP का कैमरा मिल जाता है इस फोन में। और रियर से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 30 FPS में, लेकिन फ्रंट में सिर्फ आपको फुल HD का ही ऑप्शन मिलेगा, और इस फोन में 4500 mAh की बैटरी भी मिल जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको एक ओवरऑल बैलेंस्ड फोन चाहिए तो आप इस फोन को जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इस फोन में आपको बेहतरीन क्वालिटी डिस्प्ले मिल जाती है, अच्छा खासा कैमरा सेटअप मिल जाता है और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोसेसर भी मिल जाता है। सो दोस्तों, इस लिस्ट में जो नंबर 2 पे आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग A53, कीमत 32,999। सैमसंग एंड्रॉइड में सबसे प्रीमियम ब्रांड है और इस फोन का जो मेन प्रायोरिटी है वो है कैमरा। रियर में 64 MP का मेन कैमरा, 12 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का मैक्रो और 5 MP का मोनो, और फ्रंट में 32 MP का कैमरा मिल जाता है। और फ्रंट और बैक दोनों से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 30 FPS में। और इसके अलावा इस फोन में 6.5 इंच की 120Hz की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, सैमसंग एक्सिनोस का 1280 का प्रोसेसर और 5000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है इस फोन में। ऑलरेडी दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला H30, प्राइस 27,999। और इस फोन को इस लिस्ट में मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसका जो प्राइस है उस प्राइस के हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस और फीचर्स है वो काफी बेहतरीन है, और अभी मोटोरोला काफी बेहतरीन भी कर रहा है। इस फोन में मिल जाता है 6.5 इंच 144Hz की एमोलेड डिस्प्ले, साथ में रियर में 50 MP का मेन कैमरा, 50 MP का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 32 MP का कैमरा मिल जाता है। और फ्रंट और बैक दोनों से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 30 FPS में, और इस फोन में आपको 4020 mAh की बैटरी भी मिल जाती है। और साथ में स्नैपड्रैगन 778G+ का प्रोसेसर, और इस प्रोसेसर में आपको सिर्फ क्लॉक स्पीड में इंप्रूव मिलेगा, बाकी सब कुछ सिमिलर है स्नैपड्रैगन 778G से। सो दोस्तों, ये जो 5 फोन है काफी बेहतरीन फोन है, चाहे कैमरा के मामले में हो या डिस्प्ले के मामले में हो या परफॉर्मेंस के मामले में हो या फोन के प्राइस के मामले में हो। सो अगर आप इसमें से किसी भी फोन को बाय कर सकते हो, ठीक है, आपका जो भी मेन प्रायोरिटी है उस हिसाब से। और आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।